खाली रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा नमस्कार आदाब, मैं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं JKB न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोपसिया सेकंड लेन में, और यहाँ पे हमारे सामने जो मौजूद है ये मस्जिद है, जिन मस्जिद। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ की सूरत हाल क्या है। लोगों की जो है दरख्वास्त थी कि आप कम से कम जो है तोपसिया के जगहों में जाएं, वहाँ पे दिखाएं, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, मुस्लिमों की घनी आबादी है, वहाँ भीड़ भाड़ हो रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो ये देखने को मिला कि यहाँ पे सुनसान नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे की तरफ रुख करके मैं दिखाऊँगा कि देखिए ये पूरा जो है सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन यूं ही बदनाम लोग करते हैं, और मैं ये कह दूँ तोपसिया के लोगों को कि यहाँ पर जागरूकता जो आई है ये बहुत बड़ी बात है, कि बहुत बड़ी बात है जागरूकता जो दिखने को मिल रही है तोपसिया के इलाके में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए सुनसान पड़ी हुई है। कुछ यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स है एक खुली हुई है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ दूर दूर तक जो है देखिए लॉकडाउन का जो है आप पालन हो रही है। लोग कहते थे कि एक मेला लगा हुआ रहता है तोपसिया में, लेकिन मैं ये आपको दिखाने की लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कोई एडिट वाली बात नहीं है। आप देखिए मैं लाइव दिखाने की सूरत हाल कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से वहाँ पे लॉकडाउन की पालन हो रही है। यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है मुझे देखने को आया, और नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि देख सकते हैं किसी तरह का जो है यहाँ पे सुनसान जो है सन्नाटा छाई हुई है। तो ये मैं आपको बता दूँ एक नेगेटिविटी थी लोगों में, बहुत सारे लोगों में एक नेगेटिविटी ये थी कि तोपसिया में जो है बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत मेला लगा हुआ है। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ ये सूरत हाल खुद आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूरत हाल है। लोग यहाँ पे जो है किस तरह से देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं सूरत हाल कि पूरा यहाँ पे सुनसान ही है, ज़्यादा लोग रोड पे नहीं हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे देखते था ये इलाका जो है घनी आबादी है, मुस्लिम की घनी आबादी है, और यहाँ पे जो है बहुत ये इस इलाके में जो है बहुत कंजस्टेड, लोग आते जाते हैं तो लोग टकराते रहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को जागरूकता एक नज़र आई है कि क्या जागरूकता है। देख सकते हैं जिस तरह से ये महामारी में दिन ब दिन जो है मैं बता दूं कि दिन ब दिन जो मृत्यु हो रही है, दिन ब दिन जो मृत्यु हो रही है, इस वजह कर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन पिछले 24 घंटे में तकरीबन 35 लोगों की जो मौत हुई है पूरे वेस्ट बंगाल में, और तकरीबन जो है 16 लोगों की जो है मौत हुई है 24 घंटे में पूरे कोलकाता में। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैं दूर दराज दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे कि दूर में भी आप देखिए किसी तरह का भीड़ भाड़ की नज़र नहीं आ रही है, आसार नज़र नहीं आ रही है। लोग अपने अपने घरों में इस तरह से बंद है, आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन मैं आपको जो है और भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से जो है कि कहां कहां पे जो है पूरे कोलकाता शहर में कहां कहां पे जो है लॉकडाउन की पालन हो रही है, और कहां कहां पे जो है लॉकडाउन की पालन सही तरीके से नहीं हो रही है। ये आपको मैं आज का जो है पूरे कोलकाता शहर का दिखाने की कोशिश करूंगा। ख़ासकर मैं मुस्लिम इलाकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जो कहते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ रहता है, मेला लगी हुई रहती है, तो ख़ासकर मैं मुस्लिम इलाकों को दिखाने की आज कोशिश करूंगा, और आप लोग देखेंगे ज़रूर। तो देखिए मेरे पीछे भी है, इस तरफ भी है, देखिए किसी तरह का भीड़ भाड़ मुझे देखने को नज़र नहीं आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि ये संक्रमण जो है इससे लोग जागरूकता जो है जागरूक हो गए हैं, और होने के बाद इस तरह से जो है वो अपने अपने घरों में महफूज हैं, बेज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन अयान के साथ जावेद हुसैन, JKB न्यूज़, तोपसिया, कोलकाता।